ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कुष्ठ रोग के बारे में। कुष्ठ रोग क्या है, उसे क्या लक्षण है, कारण है और उसके उपचार और घरेलू नुस्खे क्या है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। कुष्ठ रोग मतलब लेप्रोसी। कुष्ठ रोग माइक्रोबैक्टीरियल लेप्री और माइक्रोबैक्टीरियल लेप्रोमेटासिस जीवाणियों के कारण होने वाली एक दीर्घकालिक बीमारी है, क्रोनिक डिजीज है। यह मुख्य रूप से मानव त्वचा, ऊपरी श्वसन पथ की श्लेष्मिका, परिधीय तंत्रिकाओं, आंखों और शरीर के कुछ अन्य क्षेत्रों को प्रभावित करती है। यदि कुष्ठ रोग का उचित समय पर उपचार न किया जाए तो यह रोग बढ़ सकता है, जिससे त्वचा, नसों, हाथ पैरों और आंखों में अस्थायी क्षति हो सकती है। कुष्ठ रोग सामान्यतः तीन प्रकार का होता है। पहला है तंत्रिका कुष्ठ। इसमें शरीर के प्रभावी अंगों की संवेदनशीलता समाप्त हो जाती है। उस स्थान पर सुई चुभने पर भी मनुष्य किसी प्रकार का कोई दर्द महसूस नहीं करता है। फिर है ग्रंथि कुष्ठ। इसमें शरीर के किसी भाग में त्वचा से भिन्न रंग के धब्बे या चकते पड़ जाते हैं अथवा शरीर में गांठे निकल आती है। फिर है मिश्रित कुष्ठ। इसमें शरीर के प्रभावित अंगों की संवेदनशीलता समाप्त होने के साथ साथ त्वचा में चकते भी पड़ते हैं और गांठे भी निकलती है। कुष्ठ रोग न तो वंशानुगत होता है और न ही यौन संपर्क के द्वारा फैलता है। वयस्कों की अपेक्षा बच्चों में इस रोग के होने का खतरा अधिक होता है। अतः जो बच्चे कुष्ठ रोगियों के संपर्क में रहते हैं उनको इस रोग से बचाव के लिए अधिक ध्यान देने की जरूरत होती है। केवल ऐसे संक्रमित कुष्ठ रोगी जिनका बहुत दिनों से उपचार न हुआ हो उनके संपर्क में आने से कुष्ठ फैल सकता है। इससे पीड़ित लोग भी उपचार के मात्र 2 सप्ताह बाद ही संक्रामक नहीं रह जाते हैं। यदि कुष्ठ रोग अति संक्रामक स्थिति में है तो परिचारक जो अटेंडेंट है कुष्ठ रोग की दवाओं का सेवन करके रोग मुक्त रह सकता है। कुष्ठ रोग एक वैश्विक समस्या है, पूरे वर्ल्ड की एक समस्या है। 1995 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान के अनुसार कुष्ठ रोग के कारण स्थायी रूप से विकलांग हो चुके व्यक्तियों की संख्या 2 से 3 मिलियन के बीच में थी। पिछले 20 वर्षों में पूरे विश्व में 15 मिलियन लोगों को कुष्ठ रोग से मुक्त किया जा चुका है। कुष्ठ रोग और इसके पीड़ितों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व कुष्ठ रोग दिवस की स्थापना की गई है। अभी कुष्ठ रोग के संबंध में कुछ गलत तथ्य हैं, कुछ मिथ्स हैं। कुछ लोगों का विश्वास है कि वंशानुगत कारणों, अनैतिक आचरण, अशुद्ध रक्त, खान पान की गलत आदतें जैसे सूखी मछली खाना वगैरह, पूर्व पाप कर्म आदि कारणों से कुष्ठ रोग होता है, जो कि गलत है। लोग मानते हैं कि कुष्ठ रोग केवल कुछ ही परिवारों में फैलता है या केवल स्पर्श मात्र ही हो जाता है, यह भी बिल्कुल गलत बात है। कुष्ठ रोग प्रायः कुरूपता के साथ जुड़ा हुआ होता है। कुरूपता आने के बाद ही कुष्ठ रोग का निदान किया जा सकता है। टोटल मिथ है ये सब बेकार की बातें हैं। लोग कहते हैं कुष्ठ रोग अत्यंत संक्रमणशील है एवं यह संक्रमणशीलता कुरूपता से जुड़ी हुई है, बिल्कुल गलत बात है। कुष्ठ रोग लाइलाज है, असंभव, इसका इलाज संभव है। जिन परिवारों में कुष्ठ रोगी हैं उस परिवार के बच्चे को कुष्ठ रोग होगा, ये भी गलत बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी कुष्ठ रोग के कुछ लक्षण हैं जो मैं आपको बता देता हूं। चेहरे पर, नितंबों पर, शरीर के अन्य हिस्सों की दूसरी ओर और बहुत सारे नरम एवं जिनकी परिभाषा ना बताई जाए ऐसे लाल व स्पर्शक्षम या स्पर्शहीन धब्बे हो जाते हैं। फिर त्वचा के रंग तथा गठन में परिवर्तन दिखाई देता है। फिर त्वचा पर एक रंगहीन दाग जो थोड़ा या पूरी तरह स्पर्शहीन हो या उस दाग पर किसी चुभन का अनुभव नहीं होगा। सामान्यतः त्वचा पर पाए जाने वाले पीले या ताम्र रंग के धब्बे जो सुन्न हो, फिर हाथ या पैरों का सुन हो जाना, ये सब लेप्रसी की निशानी है। अभी लेप्रसी का जो कारण है वो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि माइक्रोबैक्टीरियल लेप्री और माइक्रोबैक्टीरियल लेप्रोमेटोसिस जो जीवाणु है उसकी वजह से लेप्रसी या कुष्ठ रोग होता है। इसके जो सामान्य उपचार है वो कुष्ठ रोग का इलाज बेहद आसान और कई सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में किया जाता है। आप वहां जाके आप इसका इलाज करा सकते हैं। सरकारी अस्पतालों द्वारा रिहायशी इलाकों में मौजूद स्वास्थ्य केंद्रों में निःशुल्क इलाज उपलब्ध है।
अगर शरीर पर 1 से 5 धब्बे हों तो 6 माह तक दवाई आपको लेनी पड़ेगी। 6 से 12 धब्बे हों तो 12 माह या इससे अधिक समय तक दवाई लेने से यह रोग पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अभी इसके जो घरेलू उपाय हैं, घरेलू उपचार, वो मैं आपको बता देता हूं। लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग से व्यक्ति न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी प्रभावित होता है। कुष्ठ रोगियों के प्रति दूसरे लोगों के असामान्य रवैयों से यह रोगी निराश हो जाते हैं। कुष्ठ रोग शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। जिस हिस्से पर भी कुष्ठ रोग का प्रभाव होता है वहां की त्वचा देखने में संग्री सी नजर आती है और यह हिस्सा सामान्य तरह से काम नहीं करता है। कई बार कुष्ठ रोग से प्रभावित त्वचा सूज जाती है और उस स्थान पर लाल चकते भी पड़ सकते हैं। इसके अलावा प्रभावित हिस्से पर फफोले जैसी त्वचा भी उभर सकती है। कुल मिलाकर कुष्ठ रोगी बेहद परेशानी महसूस करते हैं। कुष्ठ रोग के उपचार के लिए कुछ घरेलू नुस्खे हैं जिन्हें अपनाकर काफी हद तक कुष्ठ रोग को ठीक किया जा सकता है। अभी हल्दी का उपयोग कर सकते हैं आप। हल्दी में हाइड्रोकोटाइल होता है। हल्दी को पट्टी पर लगाकर प्रभावी स्थान पर बांधा जा सकता है। हल्दी से त्वचा का सूजन, रंजकता आदि कम हो जाती है क्योंकि यह मरहम का काम करती है। फिर नीम, नीम की पत्तियों को पीसकर लेप के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। नीम में बैक्टीरिया से छुटकारा पाने के लिए उत्तम एंटीसेप्टिक एजेंट होता है। पत्तियों के लेप को 1 दिन में कम से कम 2 बार प्रभावी स्थान पर लगाइए। बेहतर परिणाम के लिए नीम के पेस्ट में काले मिर्च का पाउडर मिला सकते हैं। इसके अलावा नीम के पत्ते को पानी में उबालकर उस पानी से नहाने से भी आराम मिलता है। फिर एरोमाथेरेपी, कुष्ठ रोग के इलाज के लिए एरोमाथेरेपी भी ली जा सकती है। इस थेरेपी में विभिन्न गुणकारी तेलों का इस्तेमाल होता है जो कि शरीर के लिए टॉनिक की तरह काम करता है और एंटीसेप्टिक एजेंट के रूप में भी शरीर को फायदा पहुंचाते हैं। फिर मंडूक पर्णी या गोटूकोला, मंडूक पर्णी या गोटूकोला का प्रयोग बहुत से त्वचा संबंधी बीमारियों से निजात के लिए प्रयोग किया जाता है। शरीर में घाव, जलन आदि के उपचार के लिए भी गोटूकोला का इस्तेमाल होता है। गोटूकोला को सिर दर्द और बुखार के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। गोटूकोला के पत्तों को पानी में तब तक उबालिए जब तक पानी आधा न हो जाए। इसके बाद इस पानी को छानकर इसकी 3/4 हिस्सा रोजाना दिन में 3 बार पिएं। इससे कुष्ठ रोग में आराम मिलेगा। फिर राइजोम्स, राइजोम्स में एंटीफंगल गुण होते हैं। राइजोम्स का जो स्वाद होता है वो कड़वा और तेज होता है और बहुत ही तेज महक भी होता है। कच्ची राइजोम्स को कुष्ठ रोग के उपचार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है बावची, कुष्ठ रोग के इलाज के लिए बावची असरकारक जड़ी बूटी मानी जाती है। बावची के बीजों का पाउडर बनाकर कुष्ठ रोग के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बावची के पत्तियों का पेस्ट बनाकर भी प्रभावित स्थान पर लगाने से कुष्ठ रोग में आराम मिलता है। इससे सूजन कम होती है और व्यक्ति का रोग ठीक होने की प्रक्रिया भी तेज हो जाती है। फिर है वीट ग्रास, वीट ग्रास कुष्ठ रोग के इलाज के लिए एक चमत्कारी प्रोडक्ट है। इसके इस्तेमाल से एक ही रात में रोग में काफी आराम महसूस किया जा सकता है तथा 3 महीने में लगातार इस्तेमाल से लगभग लगभग कुष्ठ रोग ठीक किया जा सकता है। वीट ग्रास को पेस्ट बनाकर प्रभावित स्थान पर लगाया जा सकता है। फिर है काल मोगरा का तेल, यह तेल भी कुष्ठ रोग के इलाज के लिए बेहद लाभकारी है। काल मोगरा के तेल में नींबू की कुछ बूंदे आप मिला लीजिए और फिर इसको प्रभावित स्थान पर मालिश कीजिए तो मालिश करने से आपको बेहद लाभ होगा। इसके तेल में एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं जो कि घाव को तेजी से भरते हैं और जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया को ये मार डालते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि कुष्ठ रोग के क्या क्या इलाज हैं, क्या क्या लक्षण हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो जो ज्ञान हमसे आप तक पहुंचा है उसे आप शेयर करके दूसरों तक पहुंचाएं ताकि दूसरे लोग भी इसे लाभान्वित हो सकें। और अगर आपको अच्छा लगा तो बेशक एक लाइक तो बनता ही है, और अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करने का आपको पूरा अधिकार है। और अगर आपको किसी चीज़ की जानकारी चाहिए तो आप हमारे वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे आप कमेंट दे सकते हैं। अगर मुझे इस चीज़ की जानकारी होगी तो मैं यथासंभव कोशिश करूँगा कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे दूँ वीडियो के जरिए। और
मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और कमेंट दीजिए। धन्यवाद।